मोदी सरकार का जंगी जनून कम ना हो सका। भारत ने अपने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मौलिक हथियारों से लैस करने और मकामी सतह पर क्लाशनकोफ की तैयारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, जबकि भारत अमेरिका से भी 30 ड्रोन्स हासिल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ होने वाली कशीदगी के बाद भारत ने एक बार फिर दिहाई कबल खरीदे गए इसराइली ड्रोन तैयारों को फजा से जमीन और टैंक शिकन मिसाइलों समेत मोहलिक हथियारों से लैस करने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। उसके अलावा बहरिया के जहाजों पर भी जदीद तोपखाना नस्ब करने के लिए सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक ड्रोन्स को हथियारों से लैस करने के इस मंसूबे पर 35 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इस सिलसिले में ठेकों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी की मंजूरी के लिए उन्हें काबीना कमेटी भेजा जाएगा। इस वक्त भारत के पास ऐसे 90 ड्रोन्स हैं जो निगरानी और हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब समंदर में निगरानी के लिए मजीद 30 अमरीकी ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दी गई है। गुज़श्ता कई बरसों से मकामी सतह पर क्लाशनकोफ की तैयारी के लिए 28 अरब रुपए से मुजव्वजा मंसूबे पर काम तेज करने की मंजूरी दी जा चुकी है।